सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दो कटारिया। एंड आज देख रहे हो कि मैंने आज छोटी वोटी बांध रखी है एंड गुथ वगैरह कर रखी है, बिकॉज कल रात को मैं थोड़ी ऑयलिंग की थी, बिकॉज बहुत दिन से नहीं करा, बहुत दिन से देख ही रहे हो, कहीं जाना भी है नहीं, तो मैंने सोचा आज ऑयलिंग कर लेती हूँ। रात को इतनी अच्छी नींद आई, मतलब ऑयलिंग के बाद पता ही नहीं चला कि कहाँ सो रही हूँ, एंड बहुत रिलीफ है सर में, मतलब कोई पेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एंड सेकेंड बात, आज 2 अक्टूबर है, तो आज गांधी जयंती, हैप्पी गांधी जयंती। एंड आज गांधी जी का बर्थडे भी है, जिसको सेलिब्रेट करना हो सेलिब्रेट कर सकता है, जिसको ना करना हो घर में रह सकता है। और आज गॉफ भी रखा है हम लोगों ने, और बज रहे हैं 8:30 और मैं उठ चुकी हूँ। मैं इसलिए जल्दी नहीं उठती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे को बच्चे हैं नहीं, स्कूल किसी को जाना नहीं, ऑफिस वाला कोई पर्सन है नहीं घर में, ये जिम जाते हैं तो जिम तो घर के पीछे ही है, जल्दी उठने की नीड नहीं। हाँ, इनको सुबह उठना होता है, इनको भेज के दोबारा लेट जाती हूँ। और आज थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है ऑयल लगा के, जिसको प्रॉब्लम होती हो सर में, ऑयलिंग करनी बहुत ज़रूरी है कि ऑयलिंग से हमारे सर को ऑयल मिलता है, जो कि हम लोग नहीं लगाते हैं, तो काफ़ी रफनेस हो जाती है, रफनेस की वजह से हमारे सर में भी दर्द हो जाता है। एंड ऑयल लगाना भी इम्पॉर्टेंट है, और ऑयल मैं लगाती हूँ उसका मामाअर्थ का, क्योंकि वो अनियन वाला है, जो चीज़ हमें पूरी नहीं मिल पाती है न्यूट्रिशंस खाने से, वो उस ऑयल से मिल जाता है। एंड जो हेयर फॉल हो रहा हो वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो चलो अब उठते हैं, एंड आज इसी हेयर स्टाइल में घर काम करेंगे, इसको मैं अब नहीं खोलने वाली, जब वॉश करूँगी तभी खोलूँगी, थोड़े देर ऑयल लगा के ही रहना चाहिए, कभी कभी ऑयल भी लगाना चाहिए। चलो उठते हैं, मेरी गुड मॉर्निंग तो हो गया, आई होप कि आप लोगों की गुड मॉर्निंग भी ऐसी ही होती हो अच्छे से। भाई पहले रोज़ की तरह बाहर झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि बाहर भी गंदा हो जाता है, बाहर झाड़ू लगाना अच्छी आदत होती है। और बाहर भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी विट्टी हुई है, पीछे भी थोड़े पत्ते गिरे हुए, चलो पहले बाहर झाड़ू लगाते हैं फिर अंदर का काम करेंगे। सफाई हो चुकी है, पीछे दिख रहा होगा क्लीन हो गया कति बिल्कुल, यहाँ से भी पूरा कति क्लीन देख लो भाई, धूल मिट्टी कुछ भी नहीं है। बाहर वो बैठा था लालू, उसको मैंने उठाया नहीं, बट मैंने झाड़ू बाहर तक लगाया है मेन गेट तक, गेट के बाहर साफ होना बहुत ज़रूरी होता है, कहते हैं कि गेट साफ रहता है तो ही लक्ष्मी आती है, और साफ भी घर की लक्ष्मी कोई करना चाहिए ना कि मेट को, बट और घर में होता है, मेरे घर में नहीं होता है ऐसा, मैं साफ़ सफाई करती है बिल्कुल। इनकी गाड़ी तो मैंने कल धोई थी, परसों धोई थी, अब देखती हूँ कल परसों धोऊंगी, बाकी तो यहाँ सब साफ करती हूँ। चलो अब चलते हैं अंदर। भैया जिम से आ गए हैं, लेकिन अभी इनके बहुत थकान हो रही है, बहुत पैरों में दर्द हो रहा है, कल भी कार्डियो किया सुबह भी और शाम में भी, और इनकी हालत इतनी ख़राब हो रही है, खड़े होने लायक नहीं, फिर भी ये सुबह कार्डियो करके आए हैं, तो इनकी पहले मसाज कर देते हैं आज, क्योंकि ये रोज़ बोलते भी और इनको मुझे अच्छा भी लगता है देखते हुए कि इनके पेन हो रहा है, कल भी रात को मैंने की थी, ऐसी बात नहीं है। तो ये मेरी मसाजर मशीन है जो बहुत रिलीफ देती है, तो इनके चलो मसाज भी कर देते हैं साथ में, करवानी है यार। देख लो, हाँ यार देखो, करवानी है इनको कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वरना ये रिलीफ नहीं लेंगे तो ये वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो चलो इनका थोड़ा सा करते हैं थेरेपी सेशन, फिर उसके बाद घर में कुछ काम खाने पीने का देखते हैं, कि अभी तो उन्होंने प्रोटीन ले लिया है, मैंने कुछ नहीं लिया, बट अभी 9:30 ही हुआ है, पहले थेरेपी कर दूँ उसके बाद मैं कुछ लेती हूँ, पहले इनका ही कर देते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। मैं कल इनको एक साड़ी पहनाना चाहती थी, बट इन्होंने वो साड़ी पहनी नहीं, मैंने फोर्स तो काफ़ी किया था, बट वो मैं देखना चाहती थी कि इनको अगर मैं साड़ी का लुक दूँ तो ये कैसे लगने वाले हैं, बट इन्होंने कल मेरे से साड़ी पहनी नहीं, मैंने बहुत फोर्स किया था ऑफ व्लॉग, बट इन्होंने सुना नहीं, तो मैंने व्लॉग पे कैप्शन तो वही डाला है, बट इन्होंने पहनी नहीं, हाँ चाहे करने कोशिश की थी बट पहनी नहीं, मैंने बहुत फोर्स किया था, तो भाई कल साड़ी वाला सीन तो नहीं हो पाया, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर दिखाऊंगी इनको साड़ी वेयर करवा के, मज़ा आता है ऐसी फ़नी फ़नी चीज़ें करने में। तो भाई इनके भाई मसाज भी हो चुके हैं अपनी मील लेने के लिए, और मैं भी अपनी कोई मील बना लेती हूँ कि मुझे भूख लगी बहुत देर, और अब 9:45 हो चुके हैं ऑलरेडी, मुझे भूख लगी है, चलो चलते हैं किचन में, फिर अपना सारा घर भी निपटाना है, काम वाम मैंने कुछ भी नहीं किया, सब फैला पड़ा है ऐसे ही, सफाई भी नहीं करी है अभी, चलो चले। भाई इन्होंने अंडे वंडे खाने बंद कर दिए, गुड न्यूज़, तो मैं इनकी ट्रे जो अंडे की यूज़ करती थी मैं वॉश करके रखने वाली हूँ, क्योंकि अभी किसी यूज नहीं होने वाली, और ये अपना बना रहे हैं चिकन, चिकन बना रहे हो भाई, अपना चिकन बना रहे हो, और मैं अपना बनाऊँगी अब सैंडविच, ब्रेड मंगवाई है तो मैं अपना सैंडविच बनाऊंगी, जब तक मैं अपने बर्तन धो लेती हूँ, कि बर्तन नहीं मतलब इनकी ट्रे अंडे वाली जो मैं यूज़ करती हूँ, कोई वॉश करके रख देते, जब भी यूज़ होएगी फिर मैं इसको निकाल लूँगी, अब यूज़ तो होने की नहीं शायद मेरे हिसाब से, अब नहीं यूज़ होगी तो मुझे किसी और चीज़ में यूज़ करने पड़ेंगे, इसमें मैं अपने ईयर रिंग्स रख सकती हूँ किट में,
चलो कोशिश करेंगे रीयूज करने की, बाकी इनकी खाली बॉटल्स भरनी है। कोई काम नहीं करते हो आप? अभी कुछ काम करने जाना था, आपको पता है। पता है बस, चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ फिलहाल। हाँ। ये चार गड्डी पालक, चार सीरियसली, और ये सिर्फ एक दिन का खाना है। मेरे हाथ दर्द कर गए करते करते, मैंने पूछा दो कर दूं, नहीं आज ही खाना है तो आज ही ये भर। अरे करके रख ही दो ना, मतलब ये ऐसा है ना, फिर बाद में खाता रहूंगा मैं, परेशान ना करूं। मतलब कहने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक दिन का मील है। हाँ ये तो है, शायद एक दिन की भी पूरी ना हो, ये भी बात है। तो भाई ग्रीन वेजिस खाना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो छीले उससे नहीं पड़ता, करना ही पड़ता है। बस भी दस दिन और कर दे, अच्छे उसके बाद भी खाओगे। अब सर्दी आ रही है। हाँ ये तो है। कौन से आप उठने वाले हो? फिर हम साग कटवा के लाया करेंगे ना, कटवा बथवा और साग। हाँ वो तो कटा कटा मिल जाया करेगा ना, पर घट में काटने में ज्यादा मजा आता है उसको भी। हाँ ये भी है, अरे मैं परेशान हो गया, दो दिन बाद फिर मैंने कहा यार दो दिन बाद तो फिर जाना ही पड़ेगा, मगर इससे बढ़िया ले गए चल, क्योंकि पिछली बार क्या था, अभी तक तो थोड़ी बहुत गाजर चल रही थी, उस हिसाब से चल रहा था। अरे मैं सुबह से बोल रही हूँ कुछ खाते हैं, कुछ खाते हैं, कितना टाइम हो गया दिखाना? टाइम हो गया भाई, कितने हो रहे हैं? साढ़े पौने ग्यारह। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया। फिर कहते हैं हड्डी कैसे होता है, काम से फुर्सत मिले तब तो खाऊं। अभी तो काम क्या, अभी कल उबालना है, मेरी ब्रेड आएगी अपने लिए, सैंडविच बनाना है, फिर कुछ देखते खाने के लिए। मतलब बहुत डिफिकल्ट लाइफ है बॉडी बिल्डर के साथ जीने के लिए, बहुत डिफिकल्ट। तो भाई मैंने आज एक साड़ी वेयर की है, ट्राई किया है, ये रखी हुई साड़ियों में से, पर मैं जब सेटअप किया तो मुझे लग रहा था कि कल साड़ी भी ट्राई करनी चाहिए। इसमें तो ज़्यादा क्यूट लग रहे हो आप। इसका ब्लाउज थोड़ा सा भी फिटिंग करना पड़ेगा, मैंने करा नहीं है, इसलिए मैंने वेयर नहीं करा, ट्राई तो किया था बट वो सेटअप बैठा नहीं था। साड़ी आप पे सारी सूट करती है बेटा? सारी सूट करती है। हाँ क्योंकि मैं शुरू से मम्मी की साड़ियों पर हाथ मारती थी ना, रेडी होने के बाद मेरा तो लुक देख ही लिया होगा, वीडियो इन्होंने पहले ही बना लिए, बट मैं अभी बर्तन बर्तन धो के खाना बना निकाल के, आपका लुक तो हमेशा यही रहेगा जिंदगी भर, जब तक बॉडी बिल्डिंग करोगे जब तक जियोगे जब तक। तो मैं इनके राइस बना के, इनकी ग्रीन वेजीज रख के, सब कुछ ढकढका के, बर्तन धोकर वापस अपने रूम में आ गई हूँ। एंड ये साड़ी मुझे इसलिए पसंद है शुरू से, क्योंकि इसके अंदर ना मतलब मुझे सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर एक बार पल्लू ऐसे रख दिया ना, मतलब रख दिया और ऊपर रख दिया, तो मतलब ऊपर रख दिया, सेट की नीड ही नहीं है। तो देखो कितनी अच्छी लग रही है साड़ी। और ये साड़ी सिर्फ मेरी मम्मी की नहीं है, मेरी मम्मी को दी थी मेरी नानी ने, एंड मतलब यूज़ करी भी नहीं, न्यू ही दिलाई थी नानी ने। तो ये मेरी साड़ी है, मम्मी की मम्मी ने दिलाई थी। तो भाई देख लो कैसा लुक दे रही है साड़ी, मुझे तो बहुत पसंद है। ऐसी बहुत साड़ी से है जो कि मेरी मम्मी की मम्मी ने दिलाई है, मतलब कहते नानी ने दिलाई है। अब भाई इस चीज़ को यहीं फिनिश करते हैं, अपना पपीता खा लेते हैं, क्योंकि मेरी ये सेकेंड मील हो रही है, 12:30 बजे दिखा देती हूँ मैं। एंड अब मेरा पपीता खाने का समय हो गया, और इन्होंने दो मील ले ली, दो मील विद प्रोटीन राइट। हाँ और मैंने 11:15-12 बजे करीब चाय और ब्रेड लिया था आज, और अभी मैंने ये ले रही हूँ। और भाई जो ये लोग जो भाई ये सोच रहे हो कि आजकल मैम या भाभी या दीदी हो कि चाय बहुत पी रही है, चाय बनाती ज़रूर हूँ, पर पीती सिर्फ इतनी सी हूँ, बिकॉज मुझे चाय अब ज़्यादा पसंद नहीं आती है, कि पहले भी मैं बहुत छोड़ चुकी, बहुत दिन हो गए, 6-7 महीने मुझे ऑलरेडी हो चुके, बट इस वक्त मुझे नीड इसलिए पड़ रही है, मैं वर्कआउट नहीं कर रही हूँ, मैं प्रोटीन नहीं ले रही हूँ, मैं बनाना नहीं खा पा रही हूँ, कि सुबह इनको भेजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आजकल मेरा 15-20 दिन से ऊपर हो गया है कि खाना ऊपर नीचे हो रखा है,
और अभी मुझे इस चीज़ की फिक्र भी नहीं, बिकॉज 8-10 दिन बाद मेरा रूटीन वापस पहले ऐसा हो जाएगा। तो अभी जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है मैं खा रही हूँ। मैं सोच रहा कि चाय पीना बहुत अच्छी बात है, चाय पीना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जैसे कि सब लोग देख ही रहे हो, 15-20 दिन मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं पीती हूँ, थोड़ी सी पीती हूँ, अदरवाइज मैं चाय वैसे नहीं पीती हूँ। मैंने चाय छोड़ी हुई है भाई। चाय को इग्नोर करें जो मुझे देख के चाय शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं, प्लीज़ वो चाय ना पिए, क्योंकि चाय बिल्कुल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। खाना है तो फ्रूट्स खा लो, वेजिटेबल्स खा लो, अच्छा खाना खा लो, बट चाय मत पियो। मेरे तो हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है, 15-20 दिन से मुझे पीनी पड़ रही है। चलो अब अपना पपीता खाते हो, थोड़ा रेस्ट करते हो, कि सुबह से अब जाके मुझे रेस्ट का टाइम मिला। अभी भी मेरे ना कपड़े रखे हैं जो कि मैंने कल नहीं परसों धोए थे, अभी तक रखे ही है। दिखा देती हूँ, वो पड़े चेयर पे। अभी भी मैंने कपड़े नहीं रखे क्योंकि मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, बट शाम को इनको वर्कआउट कराने के बाद ट्राई करूँगी कि इन कपड़ों को सेट कर दूँ। अदरवाइज मैं रूम किचन सब कुछ सेट है, बस वो कपड़े सेट नहीं है। बट अभी पपाया खा लेते हैं, फिर उसके बाद रेस्ट करके शाम को करेंगे। ओके भाई, अब मेरा खाने का भी टाइम हो गया है। मैंने अभी सुबह से खाना नहीं बनाया है, तो अब मेरे खाना बनाने की बारी है। किचन फिर तो लाके चले गए, मैं समेटी रही थी, लेकिन मेरे मुझे पता है कि मैं समेटूंगी। मैं जब जाके पहले खाना बनाऊंगी, तब मैं खाना खाऊंगी, तब मैं रेस्ट करूंगी। तो भाई पहले से इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद अपना खाना बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि इनकी आदत तो ऐसी है, आएंगे फैलाएंगे और जाएंगे अपना खाना लेके। बट करना तो मुझे ही पड़ेगा, पहले अपना खाना बना लेते हैं सफाई करके। अब खाना हो गया? हां, मेरा तो हो गया भाई। 2:30 बज रहा है, 220 मेरे साथ, 220 इनके हिसाब से 2:30 आ रहा है। अब जाके मैं खाना खा रही हूँ, जिसमें कि मेरी शक्कर है, पराठा और करेले की सब्जी, जो कि मैं दोबारा बनाई थी, क्योंकि करेला हम दोनों को ही बहुत पसंद है। बहुत मतलब कितना? बहुत ज्यादा मतलब मैडम के आपका जिसने खा लिया ना भाई, अगर जिसको खाना है ना, तो एक बार मैडम की रेसिपी पूछ लेना। किसी ने बोला था जिस पर मैं आपकी ग्रीन वेजिस काट रही थी, कि आप एक हमें रोस्ट बनता है पालक। हाँ, तो मैंने कहा जिसे कहते बॉडी बिल्डर हो, रोज क्या सुबह शाम दोपहर बनता है पालक। हाँ, सुबह शाम दोपहर ही खाता है भाई। यहाँ तो रूटीन का टाइम है कि डेली ही खाना है। और भाई मेरा खाना तैयार हुआ, मैं अपना खाना खा के और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्या मुझे नींद की जरूरत है। शाम को बोलेंगे वर्कआउट करना है, तो चल पहले नींद लेके रेस्ट करना जरूरी है। खाना खाते और आप लोग भी अपना समय से खाना खाओ, ब्रेकफास्ट करो, हमारी तरह मत करना, हमारी इन द सेंस मेरी तरह मत करना, मैं रूटीन इस वक्त ख़राब हो रहा हूँ। बस मैं तो तैयार हो गई हूँ जिम जाने के लिए, बिकॉज हो गया है टाइम 4:00। बस मेरे को अपनी कॉफ़ी पीनी है, जो कि मेरी कॉफ़ी ये रही, मैं कॉफ़ी बनाकर पहले ले आई थी, ये रेडी नहीं हुआ है। अभी अपना वर्कआउट जो भी लेना है, खाना है पीना वो लेंगे, उसके बाद कहीं जाके रेडी होएंगे। कि मैं तो रेडी हूँ कि मैं जाने वाली हूँ ऐसी साड़ी में, क्योंकि कुछ रील्स बनानी है, शॉर्ट्स बनाने हैं, कि जो आप लोगों को पसंद आए, आप लोग जिसका वेट करते हो। और भाई मुझे वियर करना पड़ता है, हालांकि मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, बट स्टिल कभी कभी मन नहीं भी करता, फिर भी आपको पहनना पड़ता है। बट जब साड़ी थोड़ी सी यूनिक हो, हल्की हो, पहनने के योग्य हो, तो ऑब्वियसली साड़ी पहननी चाहिए। हमेशा सूट या वेस्टर्न में ही नहीं रहना चाहिए, साड़ी वियर करनी चाहिए। भाई मुझे तो बहुत पसंद है साड़ी, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी ये साड़ी कैसी लगी, मतलब इसका कलर, इसका लुक, और मुझ पर अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। ब्लाउज मैंने वियर किया था, बट आया नहीं है, कि मैं सुबह बता ही दिया था। भाई फटाफट से कॉफ़ी पीते हैं और फिर चलते हैं जिम, आपसे मिलते हैं जिम में। तो भाई जिम आ गए हैं, पर रोशनी आपको कम दिख रही होगी, हमने सारी ट्यूबलाइट्स नहीं ऑन की है, क्योंकि हमें अंदर वर्कआउट करना है, बाहर नहीं करना है। और ये भी देखो रेडी दिख रहे हो, लग रहा है मैं साड़ी में, कि मैंने पहले ही बता दिया कि मैं आज साड़ी में हूँ, कुछ शॉर्ट्स रील्स कुछ बन जाएंगी, क्योंकि वियर किया है तो अच्छी बात है बन जाएगी। इस टाइम मेरा इनका मूड थोड़ा सा मूड स्विंग्स वाला मूड हो रहा है, क्योंकि हमारी रील्स वीडियो कुछ नहीं बन पा रही है, राइट? बस जो बन रहा है हमारा ब्लॉग्स बन रहे, हमारी शॉर्ट्स नहीं बन पा रही है, रील्स नहीं बन पा रही है। तो आज देखते हैं इनके फ्री होने के बाद रील्स या वीडियो कुछ बनती है तो अच्छी बात है, बना लेंगे फ्री होके। ठीक है, वर्कआउट स्टार्ट करें, चलो अंदर चलते हैं। तो भाई इनका भी वर्कआउट दिखा देते हैं, क्योंकि मेरे भी उसमें ब्लॉग में होना चाहिए कि हाँ भाई मैं भी जिम आती हूँ, मैं भी करवाती हूँ। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8,
साथ साथ आपको बिहाइंड द सीन भी दिख जाएगा जो आज मैं ब्लॉग में ले ही लूंगी। तो ये वाला कंप्लीट हो गया सेट। तो भाई ये इनकी सेकेंड एक्सरसाइज है, मैं पीछे आ जाऊँ कैसे आऊँ फिर? आ जाऊँ। सेकेंड एक्सरसाइज है इनकी, सी द बैक, तो बहुत इम्प्रूवमेंट है पहले से तो मेरे को दिख रहा है। आई होप कि आप लोगों को भी स्टेज पे दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि जितनी मेहनत करी है, जितना सब कुछ करा है, सब दिखना चाहिए। मुझे तो अभी भी दिख रहा है, आप लोगों को पता नहीं दिखे नहीं दिखे। तो भाई ये इनकी तीसरी एक्सरसाइज है, इसको क्या बोलते हैं? रो पुश डाउन। बहुत दिन से कर ही नहीं इसलिए मैं नेम भूल चुकी हूँ सारे के सारे। जब मैं करना दोबारा स्टार्ट कर दूंगी 8-10 दिन बाद, और उसके बाद मेरे को सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, दोबारा चीज़ें रिमाइंड हो जाएंगी। अभी मैं सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ, जैसे होता है ना बच्चा एग्ज़ाम नहीं देता तो सारा भूल जाता है, वैसे ही वाला हाल हो गया मेरा। पर हाँ, मैंने एलेक्सा ट्राई करी तो मेरे क्या कहते हैं फॉर्म करेक्ट हो गई, ये चीज़ अच्छी हो गई है। और वो रहा हमारा कैमरा। तो आज आपको मेरे साथ वहाँ घूम के कैसा लगा? रिव्यूज दीजिए। ड्राइंग को थोड़ी देर घुमाया मैंने आज, मेरे साथ घूमे, दूध के बहाने के दूध आने वाला हुआ, थोड़ा घूम लेते हैं वरना वो दूध वापस ले जाता है। उस दूध के बहाने हम थोड़ा घूम लिए, थोड़ी सी हमने बातचीत कर ली, मज़ा आया। मैं और मेरे को साथ में मच्छर भी काट गए, ये देखो मच्छर भी काट गए। फिर हम अंदर ही आ गए क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा है बाहर। चलो चलते हैं रूम में, फिर ब्लॉग को एंड करते हैं और सोते हैं। खाने के बाद हम थोड़ा बाहर घूम के भी आ गए एंड सीरियसली इतना अच्छा लगा बाहर घूम के। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ बाहर घूम लेंगे आज, क्योंकि ये खड़े हो नहीं पाते ज़्यादा देर के लिए, वो अलग बात है मैं ज़बरदस्ती करती हूँ फिर उनको उठना पड़ता है। अभी अपनी आखिरी मील लेंगे और हमारा हो गया सोने का टाइम, 8:30 हो रहे हैं, 1.5 घंटे में हम चित हो जाएंगे। एंड अच्छा लगा थोड़ा साथ घूम के, थोड़ी बातचीत करी, कुछ मतलब डिस्कस किया थोड़ी बहुत, ये वाली बात वो वाली बात, माइंड मीन्स जो इतने दिन से रखी हुई थी सारी चीज़ें डिस्कस करी, अच्छा लगा आज। एंड इस व्लॉग को ये एंड करते हैं, कल मिलते हैं मॉर्निंग में, बाय बाय, गुड नाइट। एंड आई होप कि आप लोगों की गुड नाइट भी ऐसे ही होती हो, हंसते हंसाते फैमिली के साथ, जैसे मेरी इनके साथ होती है। चलो कल मिलते हैं आपसे, बाय बाय।